मुजफ्फरगढ़ और गिरदोनवा में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बाद शहर में बिजली सुबह 4 बजे से बंद है। मौसम की मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान आबाद और नवाही इलाकों में गुज़िश्ता रात से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का एक ना रुकने वाला सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से बिजली की बंदिश की वजह से इलाका मकीनों को और मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि सुबह 4 बजे से बिजली बंद है। जब हमारी मैपको तर्जमान से बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो फीडर ट्रिप कर गए हैं मौसम की खराबी की वजह से, उनको जो है वो ठीक किया जा रहा है। अब मौसम तो साफ हो चुका है, बारिश भी रुक चुकी है, मगर सूरत हाल वैसी ही है। बिजली की बंदिश की वजह से शहरियों को क्या मुश्किलात का सामना, उनसे उन्हीं से जानते हैं। जुम्मे का दिन है, क्या कहते हैं बिजली बंद है सुबह से? जी बिल्कुल, सुबह से नहीं, गुज़श्ता रात 2 बजे से जो है ना बिजली बंद है। ना बिजली बंद होने की वजह से ना पानी है, ना कोई चीज़ है, जिसकी वजह से आज जुम्मे का दिन है। पानी ना होने की वजह से भी शदीद मुश्किलात का सामना है। सुबह बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है, हम जैसे उन्हें दफ्तर और अपने कारोबारों पर भी जाना होता है। पानी ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात है। बिजली की वजह से ना कपड़े इस्त्री हो सके हैं कि बंदा जुमे की नमाज पढ़ सके, ना कुछ है। हुकूमत को थोड़ा सा तो सोचना चाहिए। इतनी बारिश भी मुजफ्फरगढ़ में नहीं हुई कि फीडर ट्रिप हो जाए। हल्की सी बारिश हुई है, जो क्या नाम हल्की, जिसे बूंदाबांदी कहते हैं, उसकी वजह से भी फीडर ट्रिप हो गया। तो ये तो हमारी क्या नाम हम ये वावड़ा काम पे तो एक सोचने का है कि इतनी सी बारिश में फीडर ट्रिप हो जाए। जी बिल्कुल, शहरी जमा खासी परेशानी का शिकार है कि फीडर ट्रिप होने की वजह से बिजली बंद है, और शहरियों का यही मुतालबा है कि आला हुकाम को सूरत हाल खासा परेशानी का शिकार है। आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया।